एनीवेज या मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर. आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए. जिनको फैसला करना चाहिए दे थिंक दैट ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल. मैं एक अनपढ़ गवार आदमी हूँ. मैंने ना स्कूल का मुंह देखा है ना मास्टर का. चीनी मुफक्किर का कहना है कि फाते जंगजू पहले जीतते हैं और फिर जंग में कूदते हैं, जबकि शिकस्त खोर्दा जंगजू पहले जंग में उतरते हैं और फिर जीतने की ख्वाहिश करते हैं. इस चीनी मुफक्किर का ये कॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पूरा उतरता है. हाँ भाई हाँ. और ये जो ये बाबर आजम और बाकी ये जितने भी हैं, ठीक है बाबर आजम एंड तक खड़ा रहा, ये इन सब की झूठी करें, कोई नए लोग लेके आए, नई टीम उनको मौका दें, ताकि ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आज भी मैच देखने आए. मतलब इस टीम का अब ये हाल हो गया. कहाँ था वो मौका कि जब बड़ी बड़ी टीमों से मुकाबले होते. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. हाँ तो भैया पाकिस्तान में जीत के भी ना वर्ल्ड कप हार गया है. वाह भाई वाह. इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही ना वो बिल्कुल भी घटिया, दकियानूसी और मतलब वाहियात. इतने घटिया प्रदर्शन की पाकिस्तान जैसी टीम से उम्मीद नहीं कर सकते. हाँ मालूम है अपने को पाकिस्तान घटिया टीम है, लेकिन इतने घटिया तो नहीं हो सकती थी. अबे कुछ तो टक्कर देते जाइलो. तुमने तो सरेंडर कर दिया. तुम्हारी आर्मी भी सरेंडर आर्मी, तुम भी सरेंडर आर्मी. चलो मैच जीत लिया, जाते जाते खुश हो जाओ और अब पाकिस्तान की टिकट पकड़ो जाके. अभी वहाँ पे अंडे टमाटर तैयार है तुम्हारे लिए. तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी वर्ल्ड कप तो मैच जीत गए, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे जीत के भी. इनका कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानियों का. तुम ना देर के चलते पाकिस्तान. एनीवेज या मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर. आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए. जिनको फैसला करना चाहिए दे थिंक दैट इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल. सो इंटेंट ऑब्वियसली नजर नहीं आती इसकी. आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचता नहीं है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही. मैं इसको जानता नहीं ज्यादा. बट हैविंग सेड दैट आपको कप्तान वो लाना पड़ेगा जो क्रेजियस हो, जो समझदार हो, तगड़ा हो, मजेदार हो. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबकी अपनी ओपिनियन है. एक बंदा कहता है नहीं होना चाहिए, एक कहता है होना चाहिए. मेरी ओपिनियन कुछ बिल्कुल फर्क है. मैं कहता हूँ यार कि पूरे सिस्टम को ही रिस्ट्रक्चर करना चाहिए. नॉट ओनली बाबर आजम, रिस्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा सिस्टम. और अगर कट फॉर रोल अगर लोग आप नहीं लेके आएंगे तो फिर भाईजान बड़ी मुसीबत है. आप आगे भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे. तो मतलब दिस इज द रिजल्ट. इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस दैट यू हैव मेड फॉर लास्ट 20 इयर्स. I am being very honest with you. कुछ भी नहीं है. T20 World Cup 2024 में पाकिस्तान का सफर मुकम्मल हुआ और हम वेस्ट इंडीज की टिकट कटवाए की हसरत लिए वापस अपने मुल्क आ रहे हैं. अब बहस ये है कि इस हारे हुए लश्कर के साथ क्या सलूक रवा रखा जाए, इसलिए कि इनके शिकस्त ज़दा चेहरों का कसूर ये है कि इन्होंने पूरी कौम के जज्बात को मजरूह किया है और अपने लोगों को खून के आंसू रुलाया है. अब बात ये भी हो रही है कि टीम की सर्जरी होगी, लेकिन इस सर्जरी का मयार क्या होगा ये बात वाजे नहीं. आज भी इतनी बड़ी तादाद में लोग मैच देखने आए हैं. अभी भी ये देखिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं मैच देखने के लिए, लेकिन इस तरह का कोई तरीका कार नहीं है कि आप छोटी टीमों से भी आप इस तरह गिरते पड़ते मरते गिर गिराते आप मैच ओवर कर रहे हैं. कुछ भी नहीं रह गया इस टीम का. कोई भरोसा नहीं कर सकता इन भाई. लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंडिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, और ये आयरलैंड से फंस जाते हैं, और ये यूएसए से हार जाते हैं. इनमें कोई शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है. आज भी पहले तो 5 आउट कर दिए जल्दी, ऐसा लगा कि चलो जी 60-70 पे इनको निपटा देंगे, 60-70 पे इनकी छुट्टी कर देंगे. वहां से 100 के पार टोटल करवाया और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक विकेट गिर रही है, एक के बाद एक विकेट गिर रही है. क्या है ये टीम यार, मतलब कमाल हो गया. अब जो एक टीम एक मैच भी नहीं जीता आयरलैंड, और उससे इतना फंस फंसा के इतना गिरते पड़ते गिर गिरा के, कमाल है यार, कमाल है इस टीम का. इन सब की छुट्टी करें, इन सब की छुट्टी करें. और ये जो ये बाबर आजम और बाकी ये जितने भी हैं, ठीक है बाबर आजम एंड तक खड़ा रहा, ये इन सब की छुट्टी करें, कोई नए लोग लेके आए, नई टीम उनको मौका दें, ताकि ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आज भी मैच देखने आए. मतलब इस टीम का अब ये हाल हो गया. कहाँ था वो मौका कि जब बड़ी बड़ी टीमों से मुकाबले होते थे. अब तो ये मिनो टीम्स के खिलाफ भी ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाते हैं.
ये बिल्कुल स्टेट फेवरेट, एटलीस्ट आज के मैच में तो कमांडिंग विक्ट्री ले आते। आज के मैच में भी तुम लोगों ने बिल्कुल अपनी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको आज के दिन भी बेचारे दुआएं कर रहे हैं यार आज ये मैच तो जीत जाए। जहाँ पे इतनी इंसल्ट ऑलरेडी हो चुकी है तो थोड़ी और ही सही, कमाल है यार। अगर एंड पे आके शाहीन शाह अफरीदी ने हर मैच में थोड़े थोड़े से रन कर रहे हैं और फिर तुम लोगों का यार थोड़ा टारगेट इंडिया के खिलाफ, उसने थोड़ी सी वो यूएसए के खिलाफ बैटिंग करके कुछ टोटल डाला और ऊपर के ये एक दो तीन चार पाँच छः ये छः सात बैटिंग, ये किस चक्कर की, ये किस काम के लिए, क्या फायदा इसका? पहले लोग इतने अपसेट थे फिर भी इतनी बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए आए, ये अच्छी टीमों का, अब आप खुद बताइए कोई है दम इनमें कि अगर आज के मैच में भी वही दुआएं करनी है इनके लिए तो फिर इनकी हैसियत और औकात है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करें, इंग्लैंड का मुकाबला करें। इंडिया ने सी आयरलैंड को 12 13 ओवरों में जो भी 100 के करीब उन्होंने आउट किया, 10 12 13 ओवरों में चेस किया कि नहीं किया, टॉस भी जीते आप, आपको वो भी एडवांटेज मिल गया यहाँ पे, चलो ठीक है ऊपर से चार पांच जल्दी आउट किए, लेकिन उसके बाद क्या 100 के पार करवा देते हो टोटल, मतलब 20 ओवर फिर भी पूरे खेल गई वो, 20 ओवर फिर भी पूरे खेल गए, मतलब ये क्या बोला जाए यार इस बैटिंग को। अब तो अल्फाज भी बड़े संभाल के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कोई ऐसी वैसी कोई बात ना निकल जाए। 30 पे 5 आउट है वो फिर भी 100 के पार और पूरे 20 ओवर, ये आप देख लीजिए कि ये मैं आपको जितने भी मैचेस बताऊंगा दूसरी टीमों के ऊपर से 4-5 आउट करके ये 100 के पार, और वो तो एशिया कप का फाइनल 58 पे 5 आउट थे श्रीलंका के, सब लोग लुटियां डालने आज ही जीत गए, ऐसी जीत गए एशिया का चैंपियन बन गए, वो रजब पक्षा और हासे रंगे नहीं, इनको पूरे ओवर खेले और 170 बोर्ड पे डाल दिया, इनका हर मैच का यही बन गया हिसाब किताब, हर मैच का कि पूरे 20 ओवर तो इन्होंने खिलाने ही खिलाने, आज भी वो पूरे 20 ओवर करते कराते एंड तक काम वो लेके खींच खाच के आउट इनसे फिर भी नहीं हुए और खुद 60-62 पे 5-6 आउट हो गए। आज इफ यू वांट टू से समथिंग 60-62 पे 6 आउट हो गए, मतलब यार आज के मैच में भी तुम लोगों ने इसी तरह ही जलीलो ख्वार ही करना है अपने क्रिकेट फैंस को, जो बड़ी तादाद में ये लोग अभी वो लड़का शाय है क्या इस तरह की परफॉर्मेंस पे डूब मरना चाहिए, तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस है जी। और सपने लेके आए थे कि फाइनल, पिछली दफा का फाइनल खेला था तो वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको पूरा करना है और इस दफा हमने ये जीतना है जनाब, हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है, और वर्ल्ड कप क्या जीतोगे, आयरलैंड जो किसी से नहीं जीता वो तुमसे आज जीतने लगा था, वो जीतने लगा था, अब जो बाबर आजम द किंग के फैंस हैं वो शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी वो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे जो रील्स चलती हैं, हाँ जी चलो बाकी तो फेल हो गए, बाबर तो एंड तक खड़ा रहा, बाबर दिस एंड बाबर दैट, बस ये आयरलैंड वगैरह के खिलाफ ही कोई मैच मुच जुटाने की औकात और हसीयत है, बड़ी टीमों के खिलाफ बल्ला नहीं चलता, बड़ी टीमों के खिलाफ कोई बल्ला नहीं चलता उसका। तो ये जी कहानी है पाकिस्तान की, बहुत ही डिसमल शो रहा पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, बहुत ही इन्होंने अपने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का दिल दुखाया, बेताशा लोगों से आज भी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए हम आगे मैच देखने के लिए, वैसे जाहिर है उन्होंने टिकट भी खरीदा हुआ था, टिकट भी उन्होंने खरीदा हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जाके मैच ही देखें, खरीदा तो हुआ ही था, और हमें ऐसा लग रहा था पाकिस्तान या मैं इंग्लैंड से आया हूँ जो भी जर्नलिस्ट आए थे कि ये वाला मैच जो होगा ये वाकई क्रूशियल होगा और पाकिस्तान का सुपर एट का ये मैच जीत के आगे जाने का, क्योंकि आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो जीत जाएगा वो आगे चला जाएगा, इंडिया से तो दोनों ही मैच हारेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आप भी इन पाकिस्तानियों को लताड़ सकते हैं, इन पाकिस्तानियों को लताड़ने का राइट आपको संविधान ने दिया है, तो कमेंट सेक्शन के आप राजा हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कुर्सी संभाल लीजिए, और हाँ एक उसमें शेयर का बटन होगा उसको भी शेयर कर देना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।